सिलसिले भी नहीं, सरकार की नियति नहीं है लंबा चलाने की, मेजोरिटी है उनकी। लेकिन सत्ता पक्ष तो ये कहता है सर, विपक्ष जो है चर्चा से भाग जाता है हर बार जब हम चर्चा करते हैं। ऐसा है, कभी भी नहीं भागे, वो भागते हमको भागे करते ही नहीं है, तभी सेशन खत्म कर देते हैं। बीएससी में क्या सहमति बनती है, हाई कोर्ट का ले लेते हैं, कभी कहते हैं हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कभी कहें भाई जितने घोटाले हुए हैं कोई हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कोई एसआईटी चल रही है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। तो सर तीन दिन का सत्र ये नाकाफी है आपका? नाकाफी है, कितने दिन और होना चाहिए आपको? पूरी डिस्कशन होनी चाहिए। आप कितनी मांग करोगे सर, बीएससी की बैठक अभी तो होनी है 14? वो तो बीएससी में बता दूंगा मैं, लेकिन ये है कि तीन दिन का सेशन जो है ना कोई मायने नहीं है सर, सरकार की नियत नहीं है डिस्कशन करने की, क्योंकि ये विफल सरकार है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, और हर हिसाब से हरियाणा पिछड़ रहा है। आप कानून व्यवस्था देख लो, हरियाणा और दिल्ली देश की सबसे ज़्यादा वो है अनसेफ स्टेट्स डिक्लेयर की गई है, हमारे थोड़ा ही एनसीआरबी का आया रिपोर्ट आई है। इस प्रकार से बहुत सारे जो आज भी जब काफ़ी अखबारों में आए हैं, तो ये सरकार जो है कोई भी फेस करने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं है। देना चाहिए, वो तो लीडर ऑफ द हाउस की जिम्मेवारी है जवाब देना। सर कंवरपाल गुर्जर कह रहे हैं कि जो सत्र इस दिन का है, अगर पिछला रिकॉर्ड निकाला जाए कांग्रेस कार्यकाल का, जितना टाइम हम देते हैं विधानसभा में बोलने का विधायक को, उनके समय में तो विधायक को बोलने भी नहीं दिया जाता था और बाहर कर दिया। सब बोलते थे, विधायक कहाँ थे इनके समय में, विधायक कौन था? एक तीन विधायक, तीन या चार विधायक, तीन चार विधायक, कितना समय दोगे भाई? पाँच स्टेट के जो रिजल्ट आए उसके बाद हरियाणा में वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी है, आज तो ये हमारे सीएलपी की बात थी। सर कुछ ये भी डिसाइड किया है, जैसे तीन दिन का सेशन है तो पहले दिन कोई प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस विधानसभा पहुंचे या इस तरह का कोई मतलब सदन के भीतर क्या मतलब बाहर भी कुछ बाहर अंदर किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट या कुछ करें? ये 14 तारीख को हमने मीटिंग बुलाई है और ये पहले निपटाई जाती, कोई चीज पहले बताएंगे तो आप वहाँ पहुँचा दोगे? चौदह तारीख को वहाँ 5 बजे बीएसी की मीटिंग के बाद। हो गया, थैंक यू। क्योंकि फिर आज लिमिट ही है ना सर, कल पूछे हैं आज तो लिमिट में ही है सर। कुछ आप भी अपनी तरफ से और बता दो सर, कल बताएंगे ना अपनी तरफ से भी, यार तुम अपनी तरफ से भी पूछ लेना। हम तो मिलते ही हैं, लेकिन 14 को मीटिंग है यहाँ 11 बजे से तो सेशन ही शुरू हो जाएगा, जैसे ही एक दिन पहले वो भी 3 बजे रहेगी सर। क्या 5 बजे क्या एडजस्टमेंट मोशन तो एक दिया अभी, और बाकी कॉल मोटेशन कई तैयार किए सवाल शराब पर तो कई बताए मुद्दे, बहुत सारे किए और भी दिए जाएंगे। सर जो कॉलिंग अटेंशन आप देते हैं, क्या वो विधानसभा में आपको सदन में आने के लिए वो एक्सेप्ट करते हैं, वो नहीं करते हैं, या फिर उनको किस तरह से आप? वो बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं, जो सुटेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं, जो हमारा काम हम करेंगे लोगों की आवाज़ उठाना, लोगों की समस्या उठाना, जहाँ लोगों ने हमारे को चुन के भेजा जिस काम के लिए वो कार्य करते हैं, सरकार की नियत नहीं। तो हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को फटकार लगाई है, क्या वो वाले मुद्दे सब उठेगा ना? एजुकेशन ऑलरेडी दे दिया ना, दिए हुए। पिछली बार कॉलिंग अटेंशन, पिछले सत्र में कॉलिंग अटेंशन मोशन जो बहुत सारे विधायकों ने मिलकर दिया था, उसमें जब एक एक विधायक को सवाल पूछने का मौका दिया था, दुष्यंत चौटाला उसका जवाब दे रहे थे, तो कुछ दिक्कतें सामने आई थी। तो इस बार मतलब किस तरह से रहेगा कि ज्यादा विधायकों ने अगर एक साथ अगर क्लब कर दिया कॉलिंग अटेंशन मोशन, तो उसको लेकर आप कहना चाहेंगे?
क्या मुद्दा है, उसकी कितनी उसकी गंभीरता है उसके हिसाब से। ओके थैंक यू। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता इनकी ओर से की गई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए हुड्डा। तो बेरोजगारी को लेकर, क्राइम को लेकर सरकार को घेरा जाएगा, दिल्ली और हरियाणा पूरी तरह से अनसेफ है, कहना है भूपेंद्र हुड्डा का। सत्र को लेकर जो कि हर बार कोई भी दल विपक्ष में होता के सवाल जरूर उठाता के, तो तीन दिन की अवधि नाकाफी है। हालांकि बीएसी की बैठक भी होगी जिसमें भूपेंद्र हुड्डा मौजूद भी रहेंगे, लेकिन उससे पहले ही समय अवधि को लेकर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। तो काफी मुद्दे वो हैं जिनको लेकर कांग्रेस हरियाणा सरकार को घेरने वाली है। सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठाए गए हैं, क्राइम को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कथित घोटालों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा सरकार पर हमलावर नजर आए। तो विस्तार से जानकारी दी गई है, जो काम रोको प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं उन्हें लेकर भी हुड्डा की ओर से जानकारी दी गई। तो बड़ी खबर आपको बता रही, कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। हुड्डा आवास पर बैठक हुई, बैठक के बाद हुड्डा मीडिया से मुखातिब हुए और सरकार को घेरने की रणनीति उनकी ओर से शेयर की गई।